सुबह मुझे सेंटर पे कौन लेके जाएगा? हमेशा बाबा इम्तिहान वाले दिन खुद लेकर जाते थे। गेट से दाखिल होने से पहले इतनी दुआएं देते थे कि मैं कहती थी बाबा देख रो रही है, और वापसी पे भाई को भी मना कर देते थे कि मुझे पिक ना करें, वापसी पे भी खुद लेने आते थे। कहते थे तुम्हारे चेहरे से मुझे अंदाजा हो जाता है तुम्हारा पेपर कैसा है। बाबा के बाद भी उनकी ख्वाहिश को तो पूरा करना है ना। मैं नहीं जाऊंगी भाई के साथ। मम्मी सुबह आप मुझे ले जाए सेंटर। मैं यानी मम्मी नहीं जा सकती, मम्मी इद्दत में है, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। मम्मी आप परेशान मत हो, ये पास में ही तो है, मैं छोड़ आऊंगी और मैं वापसी में ले भी आऊंगी। फरी मैं ये कहने आई थी कि मोमिन का कुछ पता करो, सुबह से घर से निकला हुआ है। फोन तो है नहीं उनके पास, कैसे पता करो? हम में से कोई उससे बात नहीं कर रहा तो वो फिर क्यों आएगा घर? माँ है ना, जाग गई बेटे के लिए मोहब्बत। नहीं मुझे डर है कि वो फिर कुछ गलत ना कर बैठे। अब और क्या गलत करेगा? अच्छा फरी जाओ बेटा, देखो कहीं शर्म से सर झुकाए बैठा होगा तो वह अजान भी नहीं देते। जो इंसानों से नजरें ना मिला पा रहा वो अल्लाह के हुजूर कैसे खड़ा हो सकता है? एनी फरीब जाओ देखो, कहीं मिले तो उसे उसे ले आओ घर। मैं जा सकती तो खुद चली जाती उसको लेने, उसे ढूंढने खुद चली जाती मैं।